पृथ्वी कहाँ गई? किचन में भी नहीं है। ये यहाँ के आचार पापड़ कहाँ गए? ये भी चोरी हो गए। अरे माधवी का फोटो यही है। अरे देवा, मतलब सच में चोरी हो गई। सत्यानाश। अरे मैंने माधवी को बोला था कि चाबी ढूंढते लेकिन नहीं। तो माधवी कहाँ चली गई है? रोशन भाभी को पूछता हूँ, शायद उनको पता होगा। अरे रोशन भाभी, ओ रोशन भाभी, रोशन भाभी, रोशन भाभी, माधवी यहाँ पे आई है? नहीं, कुछ बोल के कहीं बाहर जा रही है। नहीं। अरे देवा, सूट है भेड़े भाई, पड्डू ठीक छे ना? अरे कुछ ठीक नहीं रोशन भाभी, घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, गहने भी गायब है, पर माधवी का भी पता नहीं है। मैं गली गलत नहीं है। ओ कुड़े, देखिए भाई बेटा सूट है, देखा ना कैसे घर बिखरा पड़ा है, सारे गहने लेकर गया चोर। अब माधवी भाभी को फोन करके देखो। नहीं बाबा, नहीं कर सकता फोन, उसका फोन मेरे हाथ में ही है, फोन यहीं पे था उसका। अरे मैं काम करती हूँ, मैं रोशन को फोन करके बुला लेती हूँ, आप टेंशन मत लो, गहने मिल जाएंगे। ठीक है, आप सोडी को फोन कीजिए, तब तक मैं हाथी भाई को बोलता हूँ। और हाँ, जरा आते वक्त घर का दरवाजा बंद करके आना। हाँ, चौकस डाल में शुरू हो जा। रोशन डार्लिंग, बोल रोशन डार्लिंग। रोशन तू जल्दी जल्दी घेर आ जा। ओए होए रोशन, मैंने लगता है सवेरे मैंने तेरे को इतने अच्छे ढंग से बनाया कि तुम बहुत रोमांटिक मूड में आ गया। ओए अभी कर आया यार। रोशन तू खेलो ठेको छेसू, ए वो कहीं ना ठीक, माधवी भाभी की घर में चोरी हो गई है। माधवी भाभी की चोरी हो गई है। अरे सुनिए, इसको चोरी नहीं किडनैपिंग कहते हैं, किडनैपिंग। ए चक्रम, मैं क्या बोल रही हूँ, तू क्या सुन रहा है? मैं ये बोल रही हूँ माधवी भाभी की घर में चोरी हो गई, माधवी भाभी की चोरी नहीं हुई है। ओ तेरी, ऐसे कैसे हो गया? पर माधवी भाभी का कुछ पता भी नहीं चल रहा है। ओ सुनिए, तू डर मत, मैं अभी के अभी आ रहा हूँ। कमल, मैं घर पे जा रहा हूँ, सारा संभाल लियो, ठीक है? जी पाजी। हाथी भाई, मास्टर क्या हुआ? अरे हाथी भाई, मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? हाँ, पर माधवी गायब है। तो क्या माधवी भाभी ने चोरी की है? काय बोलते हैं मानूस। बोल भाभी, आपको माधवी कुछ बता के गई है? नहीं। उठे के लिए आप उनको फोन कीजिए ना। अरे फोन भी घर पे ही रखा, मेरे पास है फोन उसका अभी। अरे क्या हुआ है अभी मास्टर, क्या हुआ? चाचा जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरे घर पे चोरी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। क्या हुआ भिड़े भाई, क्या बात है? मेरे घर पे चोरी हो गई अंजलि भाभी, थोड़ी देर पहले, और माधवी भी गायब है। तो आप माधवी भाभी को फोन करके पूछिए कि वो कहाँ है। उसका फोन घर पे ही है। बाप रे। अब्दुल, ए अब्दुल, दे भाई, ए अब्दुल, अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, क्या हुआ? तुमने सोसाइटी में किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा? अरे भिड़े भाई, यही तो बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था। क्या क्या क्या? भिड़े भाई, आपके आने के पहले सोसाइटी में एक ब्लू कार आई थी, U10। वो कार बड़ी तेजी से बाहर निकल गई। कहीं वो कार में चोर तो नहीं होंगे ना? और वही चोर कहीं माधवी भाभी को किडनैप करके तो नहीं ले गए होंगे ना? देवा देवा देवा, काय झालं, ये काय झालं? अब्दुल, तुमने कार में माधवी को देखा, किसी को देखा? नहीं। कार का नंबर नोट किया? वो कार इतनी तेजी से निकल गई, मैं नहीं देख पाया। तू एक काम कर, तू अभी के अभी पुलिस को फोन कर। वाह वाह सर, वाह सर, आप तो कलाकार है सर, क्या सुर मिला रहे, क्या बजाते हैं सर आप। ओह सॉरी, ओह बासुंदी, हाँ बासुंदी, I'm ready. आज हम बहुत दिनों बाद साथ में फिल्म देखेंगे, चिंता मत करो, हम फिल्म के पहले जो एडवर्टाइज आती है ना वो भी देखेंगे। मैं थिएटर पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा, रिलैक्स, लव यू बस, बाय। क्या बात है सर, आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हैं। पाटिल, 6 महीने बाद मैं अपनी बासुंदी के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ,
यू नो लास्ट टाइम कैंसिल हो गया था। सर आप हर बार प्लान बनाते हो और हर बार प्लान कैंसिल हो जाते हैं। आई नो व्हाट टू डू ड्यूटी इज ड्यूटी ना। लेकिन इस बार मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा, चाहे धरती आसमान पर पहुंच जाए या आसमान धरती पर आ जाए, लेकिन मैं बासुंदी के साथ फिल्म देखूंगा। यस इस बार नहीं गया ना पाटिल तो शायद बासुंदी मुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मैं इस बार फिल्म देखूंगा। हाँ, फिर बासुंदी का फोन होगा। हेलो, मेरे घर पे चोरी हो गई है। भाई साहब कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? सॉरी मैं अपराध कर बीड़े ये गोकुलम सोसाइटी ना पाउडर गली में। हाँ हाँ बोलिए एक मैं उस सेक्रेटरी साहब बोलिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले दिन दहाड़े मेरे घर पे चोरी हो गई है, गहने चोरी हो गए और मेरी बीवी भी घर पे नहीं है। मुझे ऐसा शक है कि उन्हीं चोरों ने मेरी बीवी को किडनैप कर लिया। देखिए सेक्रेटरी साहब आप चिंता मत कीजिए, पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी। ओके हाँ हाँ प्लीज जल्दी आइए। थैंक यू। लगता है गोकुल धाम वाले मुझे बासुंदी के साथ फिल्म देखने ही नहीं देंगे। सर आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए हम हैंडल कर लेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। ये पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? लेकिन हाँ पाटिल इस केस की मुझे पल पल की रिपोर्ट तुम देते रहोगे। जी सर। पाटिल यस सर। थैंक यू। अखिला को फोन लगा के मुझे दे। हाँ लगाता हूँ। हाँ दिनेश भाई मेरा भी आपके जैसा ही है, मैं भी डाइटिंग फाइटिंग करता ही नहीं हूँ भाई। अरे दिवाली में मिठाई नहीं खाएंगे तो कभी खाएंगे है? फिर ठंडी का मौसम चालू हो जाएगा तो अड़दिया खाना पड़ेगा है? अड़दिया खाया नहीं खाया इतने में फिर आम का सीजन आ जाएगा। जेठा भाई का फोन तो बिजी आ रहा है, नटू काका को लगाता हूँ। ये फोन मेरा स्लो हो गया है, देखना जरा बेटा। दिखाइए शायद मेमोरी कार्ड में प्रॉब्लम आ गया होगा। नटू नटू काका हाथी भाई का फोन। लीजिए चाचा जी फोन लग गया। बात कर। हेलो नटू। नहीं मैं बाघा बोल रहा हूँ, नटू काका को दे रहा हूँ एक मिनट। अरे लीजिए। हेलो हाथी भाई। अरे हाथी ना नहीं हूँ चंपक बोलू। अरे बापू जी आप? हाँ मैं। अच्छा तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू जेठिया को बोल दे कि जल्दी से घर आ जाए, चोरी हो गई है। क्या? हेलो 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 बागा सेठ जी के घर चोरी हो गई। क्या? हाँ उनको बताना पड़ेगा। सेठ जी फोन तो बंद हो गया। हाँ वो चार्ज करना भूल गया था ना तो बंद हो गया होगा। सेठ जी आपके घर चोरी हो गई। हाँ, आपके घर चोरी हो गई है। किसने बोला? अभी बापूजी का फोन आया था। घर पे चोरी मतलब कैसे? कौन भगवान ये क्या हो गया? ये आपके बापूजी को फोन कर रहे हैं? हाँ। अरे बापूजी को फोन करना छोड़िए, पुलिस को फोन कीजिए। हाँ हाँ बासुंदी मैं पहुँच रहा हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखो मैंने सन ग्लासेस भी पहन रखे हैं, मैं 10 मिनट में थिएटर पर पहुँचा। रिलैक्स, लव यू बासुंदी। पटेल All the best for the case. Thank you, sir. हाँ, फिर से बासुंदी का फोन होगा। हेलो हाँ चालू जी, पांडे जी मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी वाला। हाँ जानता हूँ, एक ही तो जेठालाल है, तुमको भी जानता हूँ, तुम्हारे गोकुलधाम वाले को भी जानता हूँ। बोलो क्या है? मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? मेरा घर पे चोरी 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 हो गई है, चोरी। हाँ हाँ मैंने सुना जेठालाल, तुम्हारे घर चोरी हो गई है। तो जल्दी आप गोकुलधाम सोसाइटी पहुँचे ना प्लीज। हाँ हाँ पहुँच जाऊंगा। नटू काका भागा, आप लोग दुकान संभालिए, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, दुकान की फिक्र मत कीजिए, हम लोग है यहाँ पे सेठ जी। भागा हमारे सेठ जी हमेशा कोई ना कोई चक्कर में फंसते ही रहते हैं। हाँ नटू काका, हमारे सेठ जी की जिंदगी क्रिकेट के बैट्समैन जैसी है, कभी यॉर्कर, कभी इन स्विंग, कभी आउट स्विंग, कभी गुगली, कभी बाउंसर। बेचारे सीधी बॉलिंग तो कभी खेल ही नहीं पाते। गोकुलधाम में एक ही दिन में 2 चोरी, इट्स सीरियस केस। आई थिंक ये केस मुझे ही सॉल्व करना होगा। आई एम सॉरी पाटिल, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। पता नहीं आज बासुंदी के साथ फिल्म देख पाऊंगा या नहीं। पटेल लेट्स मूव टू गोकुलधाम। ये
भगवान ये क्या हो गया? कोई ना कोई मुसीबत मेरे जीवन में टपका के आपको मजा आता है ना? मैं तो सबको बुला लेता हूँ, काम आएंगे। हाँ मेहता साहब। हाँ मुझे पता चल गया, अभी तुम कहो। मैं बस निकल गया हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच रहा हूँ। मैं भी ऑफिस से निकल गया हूँ, रास्ते में मैं भी पहुँच रहा हूँ सोसाइटी में। अरे थैंक यू मेहता साहब, जल्दी आना। हाँ ओके ओके, जल्दी आता हूँ। हाँ होगी माधवी, कहाँ चली गई माधवी? बीड़े भाई, चाबी नहीं है ना इसकी? बीड़े भाई, हुआ है? बीड़े भाई, चाबी ढूंढ के सुनिए। बीड़े भाई, माधवी होगी, माधवी कैसे लगी है? बीड़े भाई, एक मिनट आप बैठ जाइए। बीड़े भाई, नहीं बैठूंगा। सुनिए भाई, मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट शांति तो रखिए। अरे बीड़े भाई, बीड़े भाई, माधवी प्रश्न हो जाएगी आपकी ऐसे तो। बीड़े भाई सुनिए, बीड़े भाई चाचा जी इनको बिठाइए। अरे मुझे नहीं बैठने। बीड़े भाई देखिए, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा, चोर भी पकड़ा जाएगा। हाँ पुलिस अभी आती हो? हाँ। रोशन पर गैरेज से निकल गया है, वो भी आता ही होगा। हाँ क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ पर क्या हुआ? भीड़ सब ठीक है, कोई टेंशन है? मेरे घर पे चोरी हो गई भूपटलाल। हाँ तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तेरे घर पे चोरी हो गई? तो इसका मतलब सोसाइटी में कोई सेफ्टी ही नहीं है, किसी के भी घर पे चोरी हो सकती है। क्या बोल रहे तू? अरे ये सब बातें करने का टाइम है ये? सॉरी। हाँ पोपट भाई प्लीज, बात जरा गंभीर है। उन लोगों ने माधवी भाभी को भी किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ। तू चिंता मत कर, मैं चोरों को ढूंढ के उनकी दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई ये पहले तू हिलना बंद करो और शांति से खड़ा रह जाना, शांति रख। सॉरी सॉरी भाई भिड़प, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ 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 जाइए। शांति से बैठो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। तुम ठीक हो ना? कब हुआ भाई ये सब? अभी थोड़ी देर पहले ही चोरी हुई मेहता साहब, सारे गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए वो लोग। चिंता मत करो भिड़े, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब हैं तुम्हारे साथ में सब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी अनजान व्यक्ति को सोसाइटी में आते जाते देखा क्या? मैंने ब्लू कलर की कार देखी थी जो तेजी से फुर्र करके निकल गई। हो ना हो, यही लोग माधवी भाभी को किडनैप करके ले गए होंगे। अंजलि ऐसी बातें मत करो, ये वक्त नकारात्मक बातें करने का नहीं है भाई, माधवी भाभी को कुछ नहीं होगा। भिड़े मुझे एक बात बताओ, जिस वक्त तुम घर आए तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था या खुला था? दरवाजा तो लॉक था, मैंने बेल भी मारी तो दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। भिड़े एक बात समझ में नहीं आई, अगर तुम्हारे घर का दरवाजा लॉक था तो फिर चोरी कैसे हुई? मेहता साहब आज सुबह ही मेरे घर की एक चाबी खो गई थी। सुबह बहुत ढूंढा, घर में ढूंढा, सोसाइटी में ढूंढा, लेकिन वो चाबी मिली ही नहीं। होना हो, मुझे लगता है कि वो चाबी नक्की चोरों के हाथ लग गई होगी। मैं जैसे ही बाहर गया उनको मौका मिला और ये हादसा हुआ। तो मतलब नक्की किसी झाड़ बेटू का ही काम है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने पुलिस को ऑलरेडी फोन किया है, पांडे जी अभी आते ही होंगे। तू चिंता मत कर, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे और माधवी भाभी को भी ढूंढ लेंगे। तू बैठ जा भाई, शांति से बैठ जा, बैठ जा, बैठो। आए नहीं अभी? अरे तुम सब लोग ऐसा नीचे क्यों खड़े हो? और आत्मा राम तुम ऐसा चेयर पे क्यों बैठा है? अरे आइए यार, मेरे घर पे चोरी हो गई है। क्या? What? हाँ। कैसे? कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले। हाँ। चोर गहने लेके गए, माधवी को भी लेके गए। भेड़ा भेड़ा तू बैठ जा भाई, बैठ जा, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा पोपटलाल, क्या ठीक हो जाएगा, बोलना आसान है। तुम नहीं जानते मैं कितना टेंशन में हूँ, और तुम जान भी नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, तुम्हारी बीवी नहीं है। पाई पाई जमा करके गहने बनवाए थे, पिछले साल माधवी ने मेहनत की थी, 80 किलो पापड़ बेचे थे तब जाके खुद के लिए कंगन ले पाई वो। उसके पिछले साल में 50 किलो का अचार एक्सपोर्ट किया था, तब जाके सोनू के लिए गोल्ड चेन ले पाए। पिछली गर्मियों की छुट्टी में एक्स्ट्रा ट्यूशन ले लेके मैंने पैसे बचाए और अपने लिए गोल्ड चेन ले पाए। इतनी मेहनत करके पैसे जोड़ जोड़ के इतने इतने गहने बनवाए थे, सब गए। चलो गहने तो गए वो ठीक है, लेकिन माधवी, माधवी को क्यों लेके गए?
पिड़ू क्यों हो गया यार? पिड़ू मैं आ गया हूँ, कुछ फिक्र ना कर, उस चोर को ढूंढ निकालेंगे और उन्होंने तो मैं चोरी 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 कैसे हो गया? पता नहीं सोडी कैसे चोरी होगी, लेकिन मेरे घर की रिक्शा चाबी थी जो कहीं खो गई है। मुझे लगता है कि वही चाबी चोरों के हाथ लग गई है और उसने चोरी की है। हाँ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, ये जान बेदू का ही काम है। ये जान बेदू कौन है? मैंने उधर एड्रेस दे, अभी चक के ले आऊंगा सारा तेरे कहने को वापस दूंगा नूते मैं। जान बेदू किसी आदमी का नाम नहीं है, जान बेदू मतलब घर का बेदू। कोई ऐसा जानकार जो भिड़े के बारे में सब कुछ जानता हो, ये उसी का काम है, ऐसा चाचा जी बोल रहे। थैंक यू माता साहब। और भिड़ो तू डर मत, और ढूंढ निकालेंगे इस चोर को, और एक बार ये चोर मेरे हाथ में लग जाए इसका तो मैं टायर पंचर कर दूंगा, इसकी मैं गड्डी फेल कर दूंगा, इसको अपने 2.5 किलो के हाथ से मैं नुकसान कर दूंगा। चलो चलो उस चोर को ढूंढने निकलते हैं, चलो। शांति रख। अरे वो चोर कोई इस जेब से गिरा वो 5 रुपए का सिक्का थोड़ी है जो ऐसे ही ढूंढ लेंगे। अरे भाई अभी पुलिस आ रही है, वो अपना काम करेगी, तू शांत हो जा। हाँ, हाँ।, हाँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुंबई पुलिस आ चुकी है। हाँ तो भिड़े। हाँ, पांडे जी देखिए मेरे घर पे चोरी हो गई और मेरी पत्नी माधवी गायब है। वो तो तुम बता चुके हो मिस्टर भिड़े। सॉरी सर। मेरा सवाल तुमने ठीक से सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वारदात कब और कैसे हुई थी। सॉरी सॉरी क्या हुआ? तकरीबन 50 मिनट पहले मैं डिलीवरी करके आया। डिलीवरी करने कहाँ गए थे? अंधेरी गया था। अंधेरी? ओके। किसके यहाँ? वो चेतना बेन करके है। चेतना बेन करके मतलब महाराष्ट्रियन है? नहीं नहीं, उनका सरनेम तो चितली है, चेतना बेन चितली है, वो गुजराती है। तुमने अभी करके बोला इसलिए मुझे लगा। नहीं नहीं मैं तो वो तो मैं उनके संदर्भ में बोला, चेतना बेन चितलिया करके एक लेडी है हमारी कस्टमर ऐसे। ओह माय मिस्टर आई एम सॉरी। इट्स ओके। ऑर्डर कब दिया था? वो उन्होंने फोन करके माधवी को ऑर्डर दिया था। एक मिनट ऑर्डर माधवी को दिया और डिलीवरी करने तुम गए थे। हाँ, हाँ। ये चेतना बेन चितलिया किस टाइप की एलईडी है? चेतना बेन को चोरी है ना, माधवी गायब हुई है। नहीं 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 आप समझ नहीं रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं इस क्राइम के पीछे उस चेतना बेन चितलिया का तो हाथ नहीं है? चेतना बेन? हाँ, क्योंकि उसका ऑर्डर देना और तुम्हारा डिलीवरी देने जाना और माधवी का गहने के साथ घर में अकेले रहना, कहीं वो चेतना बेन। नहीं नहीं पांडे जी आप गलत सोच रहे हैं, चेतना बेन बहुत भली लेडी है, हमारी पुरानी कस्टमर है, कई सालों से हमारे पास से पापड़ और अचार खरीद रही है। अरे भिड़े 20-20 साल पुराने वफादार नौकर भी एक दिन घर साफ करके निकल जाते हैं। लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लेडी है। ओके इट्स योर प्रॉब्लम। खैर बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मैं, मेरी पत्नी माधवी, मेरी बेटी सोनू और सखाराम। ओ सखाराम तुम्हारा नौकर? नहीं सखाराम मेरा स्कूटर हो रहा है। सखाराम स्कूटर? मतलब तुम्हारे घर में 3 लोग रहते हैं, तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी। बेटी तुम्हारी कहाँ है? वो कॉलेज गई है। कॉलेज गई है? सॉरी टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन, मैं जानना चाहता हूँ कि जब तुम घर से निकले डिलीवरी करने के लिए तो तुम्हारी बीवी माधवी का मूड कैसा था? माधवी का मूड तो अच्छा ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माधवी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ और गुस्से में गहने लेकर गायब हो गए? पांडे जी हमारे भिड़े का जो है किट किट वाला, वो करते रहता है कुछ कुछ, कुछ तो कुछ पक्का किया होगा उसने। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पांडे जी। नहीं मतलब माधवी भाभी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो कभी वाद विवाद में नहीं पड़ती। बराबर बराबर भी नहीं। अरे भाई ऐसा हुआ है, दलपत नाम का एक आदमी था, उसने कहा चोरी हुई है और चोरी के इल्जाम में हमने पूरी सोसाइटी को अंदर कर दिया। बाद में पता चला बीवी ही गहने लेकर गायब हो गई थी। अरे ओ तेरी बाप
भाई कमाल। गोकुल धाम में सुबह की शुरुआत चाहे जैसी हो, शाम होते ही कोई ना कोई हंगामा हो ही जाता है। अब देखिए ना, मेरे घर चोरी हो गई, माधवी भाभी का पता नहीं है, पुलिस आई है दो दो चोरी का केस सॉल्व करने के लिए। अब गलतफहमी के शिकार जेठालाल जब आएंगे तब चालू पांडे उनका क्या हाल करते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त बड़ा टेंशन है, बड़े टेंशन में है, गोकुल धाम वाले टेंशन में, क्या चोर का पता चलेगा, माधवी भाभी कहां होंगी। अभी टेंशन दूर नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। दिवाली के बाद आपके घरों में अगर गहने पड़े हो तो उन्हें कृपया सुरक्षित रूप से लॉकर में रख दीजिए। इस वक्त ये सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है, क्या चोर पकड़ में आएगा, पुलिस क्या करने वाली है। भाई ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच रहा हूँ इन दिनों की हमारी कुंडली में पता नहीं कौन सा ग्रह है, कि कोई ना कोई परेशानी आ खड़ी होती है। लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वालों की कुंडली में एक ही ग्रह है, हंसी का ग्रह। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.